जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सों ने प्रशासन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 6 महीने से स्टाफ की कमी चल रही है। नर्सों की ओर से कई बार मेडिकल कॉलेज प्रशासन को बताया भी गया है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। काम की अधिकता के कारण पिछले 6 महीनों में 2 स्टाफ नर्स जो गर्भवती थी उनका गर्भपात भी हो गया। अध्यक्ष प्रार्थना राज का कहना है कि काम की अधिकता के कारण स्टाफ नर्स बीमार पड़ रही हैं। 11 फरवरी से 13 फरवरी तक काली पट्टी बांधकर रोजाना 2 घंटे विरोध किया जाएगा। एट मंथ हो गए हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की शिफ्टिंग से। जगदलपुर में पहले मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एसोसिएटेड था, बट 8 महीने हो गए। उस समय भी हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में आकर के हम फुलफिल नहीं थे, स्टाफ कम ही थे, बट हमें सांत्वना दिया गया था कि जैसे भी करके हम भर्ती प्रक्रिया जैसे करेंगे, संविदा में हो चाहे डेलीविजन में, जैसे भी करके हमें आश्वासन दिया गया था। इस आश्वासन पे हम लोग यहाँ आए हुए थे, बट 8 महीने हो गए हैं कंप्लीट। यहाँ कोई संविदा भर्ती निकाली गई थी, 77 पोस्ट निकले थे, बट कुछ दिनों के बाद उसको फिर रद्द कर दिया गया। और स्टाफ हम लोग बहुत कम है, अभी 170 है, जिसमें कि आधे लोग मैटरनिटी लीव में, आधे लोग चाइल्ड केयर में हैं, आधे लोग कुछ मेडिकल में बैठते हैं, कुछ सीएल में। मतलब कुल मिला के सोचिए हम लोग हर दिन में हम लोग कम से कम 130 या 140 ऐसे ही रहते होंगे, जिसमें कि 22 वार्ड है हमारे पास और ओटी अलग मिला करके। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है, जिसमें बोलना चाहिए कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास स्टाफ की इतनी कमी हो गई है कि रेगुलर ड्यूटी करना पड़ता है, 15-15 डेज में नाइट आ रहे हैं। वार्ड बॉय की भी नियुक्ति की जाएगी बोले थे, पर वो भी नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं हो पाया है। तो हम लोग मौखिक बहुत बार बोले, हम लोग जा करके हम लोग सचिव से भी मिले, उच्च मैडम आई थी उनसे भी बात किए थे हम लोग, हम लोग को सभी के पास, हम लोग ने लिखित में भी किया था, संयुक्त संचालक अधीक्षक के पास भी हम लोगों ने कई बार गया, बट उनका भी अपना एक क्राइटेरिया है। विजय पचौरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विजय, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है और बहुत सारी समस्याएं बता रही थी जो स्टाफ की नर्सेज हैं। जी देखिए, काफी लंबे समय से ये बताया जा रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज है, डिमरापाल अस्पताल है, वहाँ स्टाफ नर्स की कमी है और लगातार इस कमी से वहाँ के जो नर्स है वो जूझ रहे हैं। क्योंकि कई महीनों से वहाँ भर्ती किया जाना था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिस वजह से वहाँ के स्टाफ नर्स जो ड्यूटी में तैनात है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है जो कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो इनके लिए लापरवाह बना हुआ है, क्योंकि जो नाइट ड्यूटी के दौरान इन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए, समय पर छुट्टी नहीं मिलती, और इसके अलावा इन्हें ओवर टाइम ड्यूटी करवाया जाता है, जिस वजह से इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आखिरकार इन्होंने अब आंदोलन करने का मन बना लिया है। साफ तौर पर जो स्टाफ नर्स है उनका कहना है कि अब अपने हक के लिए वो इस आंदोलन करेंगे, और इसके लिए उन्होंने आज से काली पट्टी बांध कर इसका विरोध जताया है, और आगामी जो 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की बात इन्होंने कही है। जी, और एक बड़ी गंभीर बात भी सामने आई कि 2 स्टाफ नर्सेस तो गर्भवती भी थी, लेकिन इतना वर्कलोड था, इतना प्रेशर था काम का कि उनका गर्भपात हो गया। ये तो वास्तव में बहुत ही चिंता का विषय है। क्या इस ओर ध्यान नहीं जा रहा स्वास्थ्य महकमे का? जी देखिए, जो 2 गर्भवती महिलाओं की बात सामने आई थी, उन्होंने कई बार जो स्वास्थ्य विभाग के वहाँ के संयुक्त संचालक हैं जिला अस्पताल के, उन्हें कई बार छुट्टी के लिए आवेदन भी किया, लेकिन जो संयुक्त संचालक है उनका कहना था कि स्टाफ की कमी है, जिसके चलते उन्हें छुट्टी नहीं दिया गया और आखिरकार इनका गर्भपात हो गया। इस समस्या से कई और भी स्टाफ नर्सें जूझ रहे हैं, कई तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूरी तरह से जो प्रशासन है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग है, इसके अलावा जो राज्य सरकार है, पूरी तरह से चिंता बरत रही है इन स्टाफ नर्सों के प्रति, जिस वजह से इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई बार ये भी कहा गया है कि संविदा के लिए वहाँ भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, लेकिन किसी कारण फिर से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, और जिससे जो वहाँ स्टाफ नर्स है उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इस वजह से उन्होंने आंदोलन करने का मन बना लिया है। जी, जब स्टाफ ही स्वस्थ नहीं होगा विजय, तो वो किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा?
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बताया जा रहा है कुल 250 स्टाफ नर्स की डिमरापाल अस्पताल में जरूरत है और 170 ही मात्र स्टाफ नर्स वहां ड्यूटी कर रहे हैं, जिस वजह से मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि 22 वार्ड है जिसमें महिला वार्ड, इसके अलावा पुरुष वार्ड, इसके अलावा ओपीडी और आपातकालीन है, वहां पर स्टाफ नर्स की कमी है। वार्ड बॉय की भर्ती नहीं की गई है, वार्ड बॉय की भी एक समस्या से अस्पताल जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड काफी ज्यादा है स्टाफ नर्स पे। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसका जो मरीज जो वहां भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बिल्कुल नुकसान पड़ रहा है, क्योंकि स्टाफ नर्स की कमी के चलते उनका भी सही पर इलाज नहीं हो पाता है। इस वजह से मरीजों के साथ साथ स्टाफ नर्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी। अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाती है विजय, तब तो और भी ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ेगा और इसका खामियाजा साफ तौर पर मरीजों को उठाना पड़ेगा जो इलाज के लिए आते हैं, जो दूरदराज के इलाकों से आते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जा सकें। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि हालांकि आंदोलन के जिस तरह से चेतावनी दी है जो स्टाफ नर्स है उन्होंने, आज से काली पट्टी बांधकर उन्होंने विरोध किया है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में भी हलचल मच गई है। क्योंकि अगर 19 तारीख के बाद जो नर्स है वो अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका भारी असर पड़ेगा, खास करके जो वहाँ जो मरीज पहुँच रहे हैं इलाज के लिए उनके सेहत पर भी असर पड़ेगा। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है वो जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी और इलाज नहीं मिलने के अभाव में कई मरीजों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं आ पाया है कि इस आंदोलन को रुकवाने के लिए या फिर भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए किसी तरह से पहल की जाए या राज्य सरकार को पत्र लिखा जाए, इस तरह के अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है और अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से मूकदर्शक बना हुआ है जी। तो ऐसे में जो दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर, लोगों के सेहत को लेकर, वो तो हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। जब आप स्वास्थ्य सेवाओं का जो ढांचा है वही अगर मजबूत नहीं कर पाएंगे, आप पर्याप्त स्टाफ नहीं दे पाएंगे विजय, तो किस तरह के दावे? जी बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है पूजा, कि जिस तरह से अभी बजट भी पेश किया, खास करके बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है बस्तर और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाने से बहुत सारे मरीजों की जाने तक इलाज के अभाव में चले जाती है। तो इस तरह अभी बजट भी पेश किया, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि जिस तरह से करोड़ों रुपए के स्ट्रक्चर तो बना दिए गए हैं, डिमरापाल अस्पताल स्थापित कर दिया गया है जिसका बकायदा राष्ट्र ने उद्घाटन किया था, लेकिन यहाँ स्टाफ की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा जो वार्ड बॉय है, इसके अलावा जो जिस तरह के संसाधन होने चाहिए अस्पताल में वो नहीं है और ये जल्दबाजी में कह सकते हैं या फिर अपनी वाहवाही दिखाने के लिए जिस तरह से इन्होंने उद्घाटन कर दिया आनंद फानंद में और जो कमी है उसे पूरा नहीं किया, तो निश्चित तौर पर बस्तर में जो स्वास्थ्य सुविधा के सरकार जो दावे करते हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं जी। ये स्टाफ कितनी संख्या में है विजय, और आप कैसे देखते हैं अगर स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाता है तो कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? कि निश्चित तौर पर प्रभाव इसका काफी असर पड़ेगा और खास करके जो बस्तर के आदिवासी क्षेत्र से, बाहुल्य क्षेत्र से जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जो अस्पताल इसलिए पहुंचते हैं कि उनका सही इलाज हो पाए, उनके स्वास्थ्य पर बेहद ही गंभीर असर पड़ेगा। चूंकि स्टाफ की भारी कमी है, कारण ये है कि स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, बड़ा अस्पताल बना दिया गया है, लेकिन जो स्टाफ होना चाहिए वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। 250 स्टाफ नर्स की जरूरत है लेकिन मात्र 170 जो नर्सेस हैं वो वहाँ अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ नर्सेस छुट्टी में चले जाते हैं, इसके अलावा कई कारणों से वो अस्पताल नहीं आ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी समस्या से स्टाफ नर्स जूझ रहे हैं। इसके अलावा मरीज भी जूझ रहे हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है जी। मैं इमारत खड़ा करने से जो दावे करती है सरकार, जो दावे प्रशासन करता है, वो उनकी क्या स्थिति है, क्या सच्चाई है, ये इन तस्वीरों से भी दर्शक समझ सकते हैं। ये मांग कब से चल रही है विजय, अब तक इस मांग पर क्या रुख रहा है और क्या उम्मीद है, क्योंकि आप चूंकि वहां पर जमीनी तौर पर वहां पर आप देखते सुनते हैं, आपको क्या लगता है कि ये डिमांड क्या पूरी करना, बहुत जल्द पूरी करना इतना आसान रहेगा?
महीने से जो स्टाफ नर्स है उनका कहना है कि वो आवेदन दे रहे हैं, और जिस तरह से जो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज को जब नए भवन में शिफ्ट किया गया था तब भी नर्सों ने कहा था कि स्टाफ की कमी के चलते उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और संयुक्त संचालक, इसके अलावा MIC की टीम भी पहुंची थी निरीक्षण के लिए, उन्हें भी नर्सेस ने एक आवेदन दिया था। इसके अलावा जो संयुक्त सचिव है स्वास्थ्य विभाग के, वो भी दौरे के लिए डिमरापाल अस्पताल पहुंचे हुए थे, उन्हें भी आवेदन दिया गया। लेकिन कई महीनों से सिर्फ आवेदन का दौर जारी है, किसी तरह से इसको लेकर जो स्वास्थ्य प्रबंधन है वो बिल्कुल तरह से गंभीर नहीं है, और आखिरकार इन्होंने इस वजह से ही इस आंदोलन को करने का बात कही है। जो जिस तरह से नर्सेस ने कहा है कि अब वो अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे तब जाकर इस समस्या का हल हो पाएगा। कई महीनों से इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो स्टाफ की कमी है उसकी भर्ती हो ताकि जो मरीजों को लाभ मिल सके। इसके अलावा जो नर्सेस है जो ओवर ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी राहत मिले, लेकिन प्रशासन बिल्कुल गंभीर नहीं है। और जिस तरह से जो समस्या से जूझ रहे हैं स्टाफ नर्सेस, वो कहीं ना कहीं अब इनका रूप सामने आने वाला है। जी चलिए, शुक्रिया आपका विजय इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी है दी है नर्सों ने, स्टाफ की बेहद कमी है, कई तरह की समस्याओं से स्टाफ परेशान है, लेकिन सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे शायद बैठा हुआ है।